एक तरफ बिहार विधानसभा का मानसून सत्र पहले ही हंगामेदार जा रहा है और दूसरी तरफ चौथे दिन भी विधानसभा की कार्यवाही बाधित हुई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के दिए गए बयान को लेकर आरजेडी के सदस्यों ने विधान परिषद के अंदर जमकर हंगामा किया। वहीं राबड़ी देवी के नेतृत्व में परिषद के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। देखिए, बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जब बजट पर सवाल उठाए तो केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको महिलाओं के अपमान के तौर पर देखा गया। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि राबड़ी देवी ने क्या कहा था बजट को लेकर और फिर ललन सिंह ने क्या कहा जिस पर ये पूरा हंगामा शुरू हो गया। जो बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के दिया है। कुर्सी बचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कुर्सी बचाने के लिए दो राज्य के दिए हैं और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। तो ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा। जब जब नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा मांगे थे तो ये पॉकेट देने से क्या होगा। बिहार गरीब राज्य है और गरीबों यहाँ ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है। यहाँ पहुँची है न कल है, न कारखाना है, न फैक्ट्री है। यहाँ बालू और पानी है और क्या है। यहाँ कल कारखाना लगाना चाहिए, यहाँ बिहार में लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए। पुल गिर रहा, पुल बन रहा, पुल गिर रहा, 200 पुल गिर गया। कैसा ही काम हो रहा है, कौन ठेकेदार बना रहा, कब टेंडर हुआ, जर लोग नहीं पकड़ रहा है, पुलिस पकड़ रहा है, कब ये टेंडर हुआ, किसके समय टेंडर हुआ, कौन बनवाया। नीतीश जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है हुआ है। हाँ तो उनके लिए अच्छा है, कुर्सी बचाने के लिए अच्छा है। पूरा देश के लोग, पूरा बिहार के लोग ठगने का काम किए हैं, लोग समझ रहा है। अब राबड़ी देवी जी को, राबड़ी देवी जी का तो बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं वो, कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। तो अब बजट जैसा चीज उनको कहां समझ में आएगा। अब आप समझ गए होंगे पूरा माजरा क्या है। देखिए, बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जो प्रतिक्रिया दी उस पर जुड़े सवाल पर जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने हाल ही में एक टिप्पणी कर दी थी जिसका विरोध अब पूरी आरजेडी एक सुर में कर रही है। विधान परिषद में भी आरजेडी ने इसे जमकर मुद्दा बनाया और राबड़ी देवी पर जेडीयू सांसद ललन सिंह के बयान को लेकर प्रदर्शन किया। आरजेडी के सदस्य गुरुवार को विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान इस मुद्दे को लेकर हंगामा करते हुए वेल में भी आ गए। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के भी बयान पर आपत्ति जताई। वहीं राबड़ी देवी ने पलटवार करते हुए मीडिया के सामने कहा कि ललन सिंह की माँ और पत्नी कितनी पढ़ी हुई हैं, वो दूसरी महिलाओं पर आरोप लगा रहे हैं। ललन सिंह पर पलटवार करते हुए राबड़ी देवी ने उनकी माँ और पत्नी का जिक्र करते हुए क्या कुछ पूरी बात कही आपको सुनवाते हैं। ललन सिंह से बोले हैं कि आप जानते नहीं है मीडिया के लोग कि लंबा दस्तखत करती है, बजट के हाल क्या जाने गए, क्या बोलेगी महिला का अपना नहीं हुआ। हम पूछना चाहते हैं ललन जी से कि अपना माँ के, अपना औरत के कितना तक पढ़ाए लिखाए हैं कि दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं, और सर्टिफिकेट दे तो ले आकर दे सर्टिफिकेट, उनका महिला कितना पड़ी है, उनका माँ कितना पड़ी है, हम मान सम्मान करते हैं महिला। आरजेडी ने गुरुवार को विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान सीएम नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया। आरजेडी विधायक रेखा देवी पर कथित तौर पर की गई अभद्र टिप्पणी को मुद्दा बनाया गया और हाय हाय के नारे लगाए गए। आरजेडी के सदस्यों ने ये नारे लगाए और इस दौरान मुख्यमंत्री खुद भी सदन में मौजूद थे। वहीं हंगामा बढ़ता देख सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया था। देखिए, पूरा मुद्दा शुरू हुआ था ललन सिंह के बयान पर। गौरतलब है कि संसद परिसर में कैबिनेट मंत्री ललन सिंह ने राबड़ी देवी की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी थी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने एनडीए सरकार की इस बार की बजट को झुंझुना बताया था। ललन सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि राबड़ी देवी अब बजट पर भी बयान देती हैं, कभी उनका सिग्नेचर देख लिया कीजिए, वो कितना लंबा कर सिग्नेचर करती हैं, अब बजट उनको कैसे समझ में आएगा। और इसी को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। मंगलवार को केंद्रीय बजट पर राबड़ी देवी ने प्रतिक्रिया दी थी, कहा था कि राज्य में हत्याएं और चोरियां हो रही हैं, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, केंद्र में किसानों के भी मुद्दे बने हुए हैं, बिहार को आवंटित 26,000 करोड़ रुपए राज्य के लिए झुंझुना है। और राबड़ी देवी के इसी बयान पर ललन सिंह ने तंज कस दिया। देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त बयानों का युद्ध जारी है और इस पर लगाम कब लगती है वो तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि आरजेडी नीतीश सरकार पर, एक तो खुद नीतीश कुमार ने जो कुछ सदन में कहा उसको लेकर, और ललन सिंह के इस बयान पर हंगामा कम नहीं करने वाली, और ये हंगामा लगातार जारी रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।